राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी नाइन न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत हम कांग्रेस पार्टी से कर रहे हैं। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी के आसार अच्छे नहीं चल रहे हैं। जी हाँ, सितारे गर्दिश में हैं और कांग्रेस पार्टी पर लगातार एक के बाद एक मुश्किलें होती नजर आ रही है। दरअसल एक और जहां कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ये देखा जा रहा है कि राहुल और सोनिया गांधी को जिस तरह से ईडी का समन मिला है, उसके बाद से और मुश्किलें कांग्रेस पार्टी की बढ़ती चले जा रही हैं। राहुल और सोनिया को ईडी का समन मिलने के बाद एक और जहां संजय राउत सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ जो समन जारी किया गया है, ऐसे में अगर राहुल और सोनिया के खिलाफ जो सबूत है वो मिल जाते हैं तो क्या उन्हें जेल जाना पड़ेगा? क्या राहुल और सोनिया को जेल हो सकती है? और अगर जेल होती है तो प्रियंका गांधी क्या कदम उठाती हैं? फिलहाल कांग्रेस पार्टी पर जिस तरह से इस वक्त हालात, कांग्रेस पार्टी के हालात देखने को मिल रहे हैं, वो सीधे तौर पर ये माना जा रहा है कि एक तो पार्टी वैसे ही अपनी मुश्किलों से घिरती नजर आ रही है, एक तो वैसे ही पार्टी कई चुनावों में हार का सामना कर रही है, वहीं दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं ये जरूर बता रही है कि सीधे तौर पर पार्टी को एक अलग मोड़ की तरफ लेकर जाया जा रहा है। जी हाँ, जिस कांग्रेस पार्टी ने देश में 70 साल राज किया वो कांग्रेस पार्टी आज पूरी तरह से बिखर चुकी है। पार्टी को समेटने का काम सोनिया ने काफी किया लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। अब ये माना जा रहा है कि राहुल और सोनिया के खिलाफ जो समन जारी किया गया है, ईडी जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, क्या वाकई राहुल और सोनिया को जेल हो सकती है? आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।